दिल्ली में हिंसा के बाद आज पहली बार जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी और यूपी के साथ साथ आज दिल्ली में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस के सामने सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चुनौती होगी और ऐसे में पुलिस की कोशिश होगी कि आज सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3 दिनों की हिंसा के बाद हालात अब काबू में है और बीते 2 दिनों से हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई है। अब तक 48 FIR दर्ज की जा चुकी है दिल्ली हिंसा में और 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो IB कर्मचारी अंकित शर्मा के मामले में गिरे ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक्शन लिया है। आम आदमी पार्टी ने ताहिर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली हिंसा को लेकर ताहिर हुसैन और उनके कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का केस दयालपुर थाने में दर्ज हुआ है। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। बता दें कि दिल्ली हिंसा में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीते 2 दिनों से कोई हिंसक घटना जो है वो सामने नहीं आई है। हालात जो है वो अब काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन आज हिंसा के भड़की हिंसा के बाद जुमे की नमाज पहली बार पढ़ी जाएगी तो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। तो आपको बता दें कि अब तक 106 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की जा चुकी है इस हिंसा के मामले को लेकर। तो लगातार उन उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी को अंजाम दिया जा रहा है जिनकी तरफ से इस तरह से नुकसान दिल्ली में पहुंचाया गया, जिनकी वजह से इस तरह का उत्पात, इस तरह का बिखराव दिल्ली में देखने को मिला। तो दोबारा इस तरह की स्थिति ना बने इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। अलर्ट का किस तरह असर है वो आप देख सकते हैं। हालात तो जो हैं वो अभी फिलहाल जो तस्वीरों के जरिए समझ पा रहे हैं हम, R9 TV पर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालातों को काबू में करते हुए पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। तो जिस तरह से लोगों की मौत इसमें हुई है उसमें अंकित शर्मा जो IB जानते हो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ताहिर हुसैन पर भी आम आदमी पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है, पार्टी ने उनको बाहर कर दिया है। तो अंकित शर्मा का जो शव है वो नाले में पड़ा मिला था और दिल्ली हिंसा के दौरान बताया जा रहा है कि वो ड्यूटी से घर लौट रहे थे, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी लोगों को बचाने की समझाने की कोशिश यहाँ पर उनकी तरफ से की गई थी और इसी दौरान वो इस तरह से इस हिंसक घटना का शिकार बन गए। तो लगातार ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई जारी है, गिरफ्तारियों को अंजाम दिया जा रहा है। 106 गिरफ्तारियों को अब तक अंजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से हिंसा मामले में दिया गया है। तो अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ताहिर हुसैन पर भी कार्रवाई, तो अंकित को 400 बार चाकू मारा गया और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट और सीने में चाकू के निशान मिले हैं। 400 बार क्या निर्ममता यहां पर दिखाई गई है। तो अब ऐसे में हालातों को काबू करते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। तो वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर शिवसेना ने भी गृहमंत्री को लेकर सवाल उठाए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख के जरिए सवाल उठाते हुए शिवसेना ने लिखा है कि लेख में कि दिल्ली जब जल रही थी, लोग जब आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, तब गृहमंत्री अमित शाह कहाँ थे, क्या कर रहे थे। दिल्ली हिंसा में अब तक 38 लोगों की बलि चढ़ गई। संपादकीय लेख में आगे लिखा कि अगर कांग्रेस या दूसरे गठबंधन की सरकार होती तो BJP दंगों के लिए गृहमंत्री का इस्तीफा मांगा होता। इस्तीफे के लिए दिल्ली में मोर्चा, घेराव और राष्ट्रपति भवन में धावा बोला गया होता। गृहमंत्री नाकाम ठहराकर इस्तीफा चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि BJP सत्ता में है और विपक्ष कमजोर है। फिर भी सोनिया गांधी ने गृहमंत्री का इस्तीफा मांगा है।